दोस्तों अक्सर प्रेगनेंसी के आखिरी महीने यानी कि प्रेगनेंसी के आठवें और नौवें महीने में गर्भवती महिला का पेट कड़क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पेट कड़क होना आखिरी समय में कोई गंभीर समस्या की ओर संकेत करता है? और जब गर्भवती महिला का पेट कड़क होता है तो उस समय शिशु कैसा महसूस करता है और गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि रावत और आप सबका मेरे चैनल हेल्थ वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में गर्भवती महिला का पेट कड़क होने लगता है और कभी कभी गर्भवती महिला को पेट में ये जो कड़कपन है कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। गर्भावस्था के आखिरी समय में गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं क्योंकि उस समय शिशु जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा होता है और इसलिए गर्भवती महिला का पेट कड़क हो जाता है। इसके अलावा जैसा हम सभी जानते हैं, गर्भाशय में शिशु अपनी पोजीशन बदलता रहता है। जैसे ही शिशु अपनी पोजीशन बदलता है तब गर्भवती महिला का पेट कड़क हो जाता है यानी कि कड़कपन महसूस होता है, जो कि सामान्य बात है। ऐसा भी देखा गया है कि जब शिशु सर नीचे करता है प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, तब भी गर्भाशय में ज्यादा जगह ना होने के कारण गर्भाशय की मांसपेशियों में कसाव महसूस होता है, जिसके कारण पेट का कड़कपन महसूस होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आठवें और नौवें महीने में फॉल्स लेबर पेन, जिसको ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन यानी कि अभ्यास संकुचन कहते हैं, ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं और ये 30 सेकंड से लेकर एक मिनट तक रह सकते हैं, जो कि अपने आप बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। उस समय गर्भवती महिला का पेट कड़क हो जाता है। ऐसा देखा गया है जब ये संकुचन यानी दर्द महसूस होता है तब गर्भवती महिला जब पोजिशन बदलती है तो ये दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। कुछ महिलाओं को ये संकुचन 30 से 40 सेकंड तक रह सकते हैं और कुछ को एक मिनट तक रह सकते हैं और उसके बाद अपने आप ये नॉर्मल हो जाते हैं और उस दौरान गर्भवती महिला का पेट अक्सर जो है कड़क हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्भाशय खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है। कहने का मतलब है, जब आपको असली में लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो उस समय आपका जो पेट है उस वक्त भी कड़क हो जाएगा, लेकिन उस समय ये जो कड़कपन है ये ज्यादा होगा और ज्यादा लंबे समय होगा क्योंकि शिशु जो है जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा होता है उस वक्त। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आपका सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा नरम हो जाती है और पतली पड़ जाती है और ऐसा भी देखा गया है कि उस दौरान जो है चिपचिपा गाढ़ा एक सफेद रंग का जैसे बलगम होता है वैसे ही एक द्रव्य होता है वो बाहर निकलता है, जिसको म्यूकस प्लग कहा जाता है। और ऐसी अवस्था में भी गर्भाशय में जो है कसाव महसूस होता है और महिला का पेट कड़क हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अगर गर्भवती महिला का पेट कड़क रहता है तो क्या ये कोई चिंता के विषय है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर फॉल्स लेबर पेन के दौरान पेट कड़क रहता है यानी कि 30 से 40 सेकंड या फिर एक मिनट तक आपका पेट कड़क रहता है तब ये नॉर्मल है, तब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको दर्द रहे, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका पेट ज्यादा देर तक कड़क रहे और आपको अपने शिशु की गतिविधियां कम महसूस हो, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, तब आपको देर नहीं करनी, तब ये लेबर पेन का संकेत हो सकता है यानी कि डिलीवरी का संकेत हो सकता है, तब आपको चिंता करनी है, तब आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना है, तब ये इमरजेंसी स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई भी सवाल और सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।